नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। राज्यसभा में नए कृषि कानूनों पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा में जमकर बहस हुई। कृषि मंत्री ने सीधे संकेत दिए कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को लेकर बिल्कुल पीछे हटने नहीं वाली। उन्होंने कहा कि कानूनों को काला कानून कहे जाने जैसा क्या है समझ नहीं आया। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी, उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा। सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन कानून के प्रावधान को ये किसान के प्रतिकूल है यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कृषि कानून में कमियां हैं। साथ ही विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर खून से खेती करने के आरोप भी लगाए। भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। लेकिन किसान आंदोलन पर है, पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार है लोग, एक ही राज्य का मसला है। सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है। कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। इसी बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करने के दौरान कृषि मंत्री और दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर बहस हो गई। दीपेंद्र जी, मैं ये एक्ट बता सकता हूँ आपको, पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूँ। पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है, और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। लेकिन भारत सरकार का एक्ट, हालांकि गुलाम नबी आजाद के बीच बचाव के बाद ये साफ हुआ कि दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के कानून की बात कर रहे थे, जबकि तोमर पंजाब की। अभी की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।